तो लोकल टू ग्लोबल के बाद अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश को लेकर। आपको बता दें कि आपके साथ मैं शुभांकर हूं और तारीख बदलने के साथ ही आप और हम एक दूसरे को नए साल यानी 2021 की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम दोनों मिलकर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन क्या आपने आज अपनी इन खुशियों के रक्षकों को याद किया? यदि नहीं तो आप हमारे साथ चलिए उस सीमा पर जहां पर जवानों के हौसले के आगे सर्दी का कोई जोर नहीं चलता, गर्मी का गुस्सा समंदर में डूबकर पानी बन जाता है। तो हमारे साथ हम आपको ले चलते हैं उन महारथियों को सलाम करने जिन्होंने पाकिस्तान की सीमा और हमारी सलामती के लिए रात दिन एक कर रखा है। सरहद के वीरों की इस कुर्बानी की दास्तां के साथ TV9 भारतवर्ष ने भी कदम ताल किया। तो नए साल पर, नए दौर पर चलने से पहले आप भी चलिए हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर के साथ देश के नाम दो कदम, हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नए साल पर। भारत पाकिस्तान का ये वो इलाका जहां हमारे BSF जवान दिन रात डटे रहते हैं। कश्मीर से लेकर कच्छ तक जवानों के लिए कैसी होती है परिस्थितियां, क्या चुनौतियां होती हैं? TV9 भारतवर्ष आज आपको हर वो मंजर दिखाएगा। जिसे देख आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। कटीली झाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, दूर दूर तक सन्नाटा। हम उस रास्ते पर हैं जो देश की उत्तर पश्चिम सीमा के रक्षकों के बीच जाता है। परिस्थितियां ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं, हालात ऐसे जो हौसले भर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। और आज हमारी मौजूदगी है भारत पाकिस्तान की सीमा पर। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और ये खत्म होती है गुजरात के कच्छ में। आज हम आपको अपने जवानों की कहानी बताएंगे कि किस तरह से विपरीत परिस्थिति में भी वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात रहते हैं और क्या परेशानियाँ, क्या कठिनाई हमारी ये जवान हमारे लिए उठाते हैं। BSF जवानों के साथ कदम ताल कर हमें गर्व की अनुभूति हो रही थी। हर कदम देश सेवा और शौर्य से मस्तक ऊंचा कर रहे थे। चलते चलते BSF जवानों ने यहाँ के हालात बताए। सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो परेशानी ये होती है कि यहाँ पर मौसम की बड़ी मार होती है। गर्मी भी यहाँ उतनी ही ज्यादा पड़ती है और ठंड भी उतनी ही। गर्मी की अगर बात करें तो पारा 40 डिग्री के पार होता है, वहीं अगर हम ठंड की बात करें तो ये नंबर जो है वो सिंगल डिजिट में चला जाता है। ऐसे में सीमा पर जो जवान तैनात होते हैं उनके लिए परेशानी दुगनी हो जाती है। इस बीच जवानों को कमांडर ने जरूरी निर्देश दिए और तैयारी हुई पाकिस्तानी हिमाकत पर नजर रखने की। सीमा पर लगातार जो है वो पेट्रोलिंग बोट से की जाती है और अभी एक बार फिर से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाएगी, जिसके लिए जवान जो हैं वो अब नाव में सवार होकर यहाँ पर पूरा चक्कर लगाएंगे और ये पूरी पेट्रोलिंग होगी कि किस तरह से यहाँ पर बोट है। और धीरे धीरे एक एक कर ये जवान जो हैं वो बोट में अब सवार हो रहे हैं और यहाँ से जो पेट्रोलिंग की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। दिन में कई बार ये किया जाता है, लगातार नज़र रखी जाती है कि कहीं से भी सुरक्षा को लेकर कोई चूक तो नहीं हो रही है। सामने गहरा समंदर, जोश हर जवान के अंदर। बोट पर 7-8 जवान सवार हुए। जवानों के पांव बोट पर जम रहे थे, हमारी सांसें थम रही थी। पेट्रोलिंग की शुरुआत हो चुकी है और तमाम जवान जो हैं वो बोट में अब बैठेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, तो इनके साथ हम भी अब चल रहे हैं। आपको बता दें कि कीचड़ यहाँ पर होता है, दलदल यहाँ पर होता है, इसमें बड़ी कठिनाई होती है पेट्रोलिंग करना और ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम जो दर्शक हैं TV9 भारतवर्ष के उनको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के लिए हमारे जो जवान हैं वो दिन रात एक कर मेहनत करते हैं। और अब बोट में हमारी भी बारी आ गई बैठने की, तो चलते हैं हम और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाएगी। हवा और पानी को चीरती हुई बोट अथाह सागर में उतरी।
हवा के साथ सर्द हवाएं रास्ता रोकने लगी, लेकिन भारत माता की रक्षा का जहां सवाल हो वहां समस्या भी खुद का रास्ता बदलती नजर आई। ये भारत पाक की सीमा है और आप देखिए यहां पर जहां तक आपको नजर आएगा बस पानी ही पानी है। इसके आगे का जो इलाका है वहां दलदल होता है। ऐसे में कठिनाई क्या होती है, कैसे ये जवान जो है वो यहाँ पर सुरक्षा जब देते हैं तो क्या क्या विपरीत स्थितियाँ होती है और क्या कठिनाइयाँ होती है, जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं या जब सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं तो क्या डिफिकल्टीज होती है? पहले तो मैम इधर थोड़ा गर्दीले और रेतीले इलाका भी है और गर्मी के टाइम थोड़ा स्टीम कंडीशन ज़्यादा होता है और सर्दी के टाइम ठंडा भी। हम लोग अपना हौसले को बुलंद करके ये सब कुछ कठिनाई को पार करते हैं और अपना ड्यूटी बहुत खूबी के साथ निभाते हैं। सर स्पीड बोट के लिए मिनिमम 2 मीटर पानी होना चाहिए जो वहाँ पर सुरक्षित भी आ भी सकता है और हमारा साथी भाइयों के भी सही जगह पर पहुँचा भी सकता है। नहीं तो ज़्यादा कम हो जाएगा तो बोट बैठ जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, इसका इंजन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये बताइए गर्मियों के दिनों में आप लोग फिर कैसे पेट्रोलिंग करते हैं? ऊपर लहर भी जाता है, मौसम खराब होता ही है और पसीना भी आ जाता है, लहर में पानी भी हमारा जवान भाई हम जो चालक है उसके ऊपर पानी आ जाता है, बोट के ऊपर से भीग जाता है और पसीना तो आता ही है, अगर नहाना पड़ता है नहीं तो शरीर में क्या है खुजली पैदा हो जाता है। तो शाम को जो भी जवान हम पेट्रोलिंग करके जाते हैं जाने के बाद हम शाम को आराम से नहा लेते हैं। यूं ही नहीं होता हमें अपने जवानों पर गर्व, क्योंकि जो दिख रहा है जवानों के साथ हमें उनका एहसास कहीं बढ़कर दिख रहा था। इनके आगे गर्मी क्या सर्दी क्या, लेकिन चुनौतियां अभी और भी थी। सो पेट्रोलिंग के लिए इस वक्त हम निकले हैं और आपको बता दें कि हाई टाइड है इसलिए इस वक्त आसान हो रहा है पेट्रोलिंग करना, लेकिन जब हाई टाइड नहीं होता है तब ज़्यादा मुश्किल होती है, तब पेट्रोलिंग करने के लिए दलदल में चलकर इन जवानों को जाना पड़ता है। सर ये बताइए हाई टाइड है इसलिए बोट जो है वो आसानी से जाता है, लेकिन जब लो टाइड होता है तब क्या होता है? लो टाइड हो तो पैदल जाना पड़ता है, ये तो दलदल इलाका है, घुटने तक बाहर चला जाता है अंदर। और कितनी बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है हाई टाइड लो टाइड? मतलब दिन में 6 घंटे के बाद 6 घंटा लो टाइड हो जाता है, 6 घंटा के पहले हाई टाइड होता है फिर दोबारा लेट टाइड होता है। रोजाना आप लोग फिर इसी तरह से दलदल में जाते हैं? पैदल ही जाना पड़ेगा, बेस पेट्रोलिंग पैदल ही होता है। जब पैदल आप लोग जाते हैं हमने देखा है कि आप लोग शूज भी नहीं पहनते हैं, तो क्या डिफिकल्टीज होती है या क्या डर रहता है? इसमें बेस में तो सांप का बहुत तरह सांप भी रहता है, पैर पे काटा काटा भी चुभता है, मिट्टी भी नमक वाला मिट्टी है, पैर भी ऐसे हो जाता है मतलब जल्दी वो हो जाता है। तो देखिए विपरीत परिस्थिति है लेकिन पेट्रोलिंग करना है, सुरक्षा जो है उसका ख्याल रखना है और यही कारण ही है कि हमारे जो ये जवान हैं वो लो टाइड हो या हाई टाइड हो इसी तरह से लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। हम जवानों के साथ थे इसलिए हमारा हौसला बुलंद था। अब तक हमें समझ आ चुका था कि गहरे में उतरना और फिर आगे का रास्ता कितनी मुश्किलों से भरा हो सकता है। जूते निकाल लिए गए थे, आगे नंगे पांव चलने की चुनौती सामने थी। चुनौती कीचड़ और कंकर कांटे भर की नहीं, विषैले जहरीले सांपों की भी थी, यानी दुश्मन से मुकाबले के लिए मुश्किलें अभी और थी। ये सारे जवान जो हैं वो पानी में उतर रहे हैं और यहाँ से पैदल, न जूते हैं इनके पैर में ना कोई और चीज़, और ये सीधा रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं और एक एक कर अब ये क्रीक इलाके में पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं। रोज़ाना इसी तरह से कई बार यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बोट में जब बहुत तेज़ हवा होती है तो आप देखिए बोट को थोड़ा दूर ही लगाया गया है, एकदम किनारे पर नहीं लगाया गया है, लेकिन बैलेंस करते हुए एक एक कर ये जवान जो हैं वो पानी में उतर रहे हैं। सामने किनारा था, बस हौसलों का ही सहारा था, हम भी बोट से उतरे। देखिए ये जो पेट्रोलिंग की प्रक्रिया होगी उसके लिए हम भी अब पानी में उतरे हैं और
यकीन मानिए ये पानी बेहद ठंडा है, साथ ही ये दलदल भरा इलाका है। तमाम जवान आप देख सकते हैं पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर किस तरह की दिक्कत जो है वो हो रही है। अभी भी आपको बता दें कि सिंगल डिजिट में यहाँ पर ठंडी पड़ रही है और पानी इतना ठंडा है कि यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है। जब आप पानी में यहाँ पर चलेंगे तो तमाम गड्ढा है, इन गड्ढों को आपको देखते हुए और अपनी इलाके तक जाना पड़ता है। ठंडा पानी साथ ही साथ जगह जगह पर गड्ढे, हमेशा इस बात का डर कि सांप और बिच्छू जैसे जीव जंतु जो हैं वो कहीं काट ना ले। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो ये कि ये पानी नमक का पानी है, यानी आपको तुरंत इस पेट्रोलिंग के बाद अपने आप को साफ करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कई बीमारियां जो है वो हो सकती है, खुजली खासकर जो है वो होती है। ज़रा पहुँचे हम यहाँ पर और इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, देख रहे हैं हम आप सब लोग जो हैं वो कीचड़ में खड़े हैं। यहाँ पर जब आप पेट्रोलिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहले प्रिकॉशन क्या लिया जाता है? ध्यान दिया जाता है यहाँ कि मतलब जो वो गड्ढा का एरिया है देख के चलना पड़ता है, और सांप बिच्छू जो भी है वो भी काट सकता है, तो ये चार चीज़ें। और पानी नमकीन है, नमकीन पानी है तो पेट्रोलिंग के बाद तुरंत जो है उसको वॉश करना जरूरी है। सर ये बताइए कितनी दूर तक अब हम लोग यहाँ से चल कर जाएंगे, और इसी तरह से आपने भी चप्पल नहीं पहनी है, हम लोगों ने भी नहीं पहनी है, और कितनी दूर तक इस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं आप लोग? पेट्रोलिंग तो हमारी मतलब जितने दूर से तक जाना पड़ता है, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा उसके लिए बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती हैं जी। उसके लिए बहुत सारे हमें मतलब सावधानी कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए बताया जाता है, उसके जरिए हम चलते हैं। और किस तरह की जीव जंतु यहाँ नजर आते हैं? जीव जंतु ऐसे में बहुत सारे जीव जंतु तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा खतर हमारे स्नेक बाय जैसे भांडी सांप है, बिच्छू है। हमारी बात जवानों के साथ हो ही रही थी कि अचानक इस बीच एक हादसा हुआ। मेरी नजर अपने पाँव पर पड़ी, उससे खून बह रहा था। इस वक्त हम भी पेट्रोलिंग के लिए आए थे और कितना डिफिकल्ट होता है ये आप देख सकते हैं पेट्रोलिंग करते वक्त। यहाँ पर घायल हुए हैं हम भी, थोड़ी सी चोट यहाँ मुझे आई है पैर में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम यहाँ पर एक दिन सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमारे जवान यहाँ किस तरह से काम करते हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक बार यहाँ विजिट करने पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चोट लगी है। तो आप ज़रा इन जवानों के बारे में सोचिए जो दिन रात अपनी फिक्र किए बिना हम सभी के लिए यहाँ पर इसी तरह से तैनात रहते हैं। ज़रा कैमरा पैन करके आप देखिए किस तरह से दलदल में यहाँ पर ये सभी जवान खड़े हैं, और ये मुश्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कैमरा पर्सन सुभाशीष दाम आपको बताएंगे कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर चल पाना मुश्किल है हमारी टीम के लिए भी। लेकिन जो लोग रोज़ आते हैं उनके बारे में अगर हम सोचें तो ये हम कह सकते हैं कि सच में ये देश सेवा का भाव ही है। इसीलिए वरना आप खुद सोचिए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति क्यों चाहेगा कि वो इस तरह के दलदल में आए और अपनी जान को जोखिम में डाले। लेकिन सलाम है इन तमाम जवानों को जो अपने बारे में नहीं सोचकर देशवासियों के बारे में सोचते हैं। कदम कदम पर फिसलन, लेकिन जवानों के पांव ये नहीं डिगा पाते। पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जवान जो हैं वो इसी तरह से तैनात रहते हैं, और सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इतनी कड़ी है कि कोई भी बाल बाका नहीं कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि इस इलाके में जो पाकिस्तानी बोट है, खासकर जो फिशरमैन है वहाँ के, उनकी बोट यहाँ पर चली आती है, और कई बार यहाँ पर पाकिस्तानी बोट जो है उसको पकड़ा गया है। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें, तस्वीरें आप यहाँ देखिए, ये जो आप कीचड़ में पैर देख रहे हैं यही पैर जो हैं वो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, और आप अपने घर में चैन से सो पाए, इसीलिए ये सारे पैर इस वक्त यहाँ पर इस कीचड़ में हैं। तो देश के जवानों को लगातार TV9 भारतवर्ष जो है वो सलाम कर रहा है, और जो परेशानियाँ ये हमारे लिए उठाते हैं या जितनी मुश्किल घड़ी में ये यहाँ पर काम करते हैं वो काबिले तारीफ़ है। और कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि मुश्किल भरा ये इलाका है, और यहाँ पर सुरक्षा जो है वो प्रदान करना बिल्कुल आसान नहीं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमांडर अनीता मैम है। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने खुद इस पूरे इलाके का जायजा लिया है, बहुत मुश्किल है, कैसे आप लोग जो है वो सरवाइव करते हैं?
यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये क्रीक वाला एरिया है और इसमें जो इलाका है तो ज्वार भाटा आता जाता रहता है। तो जब पानी का छड़ाव होता है तो इस टाइम हम पेट्रोलिंग निकलते हैं, जैसे बेट्स वगैरह हैं उनको चेक करते हैं। बेट्स वगैरह चेक करने के बाद में जो ज्वार भाटे का समय उसी के अनुसार हम पेट्रोलिंग इस वाले इलाके में करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा ही अभी मौसम के अनुसार हवा वगैरह बहुत तेज़ रहती है, इसके अलावा यहाँ नमकीन हवाएँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं जिससे हेल्थ इश्यू वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जवान वही है कि इस वाले इलाके में सर्वाइव करना है तो उसके हिसाब से अपना रहने का, खाने का, पीने का, उसके अलावा रहन सहन और जो है अपनी केयर, अपनी स्किन की केयर उसी के अनुसार करते हैं ताकि उनको इस मुश्किल इलाके में आसानी से ड्यूटी करने में आसानी। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।